पटना में सुबह हड़कंप मच गया जब एक गाड़ी जो दिल्ली नंबर 33 से चार लोग उतरे और एक व्यक्ति को अचानक पकड़कर उसी गाड़ी में उठाकर ले गए। पटना पुलिस ने भी उसे अपहरण के रूप में देखते हुए उस गाड़ी को रोका और पता किया कि क्या मामला है। तब जाकर पता चला कि वह दिल्ली स्पेशल पुलिस थी और हामिद खान नाम के व्यक्ति को वह गिरफ्तार करके दिल्ली ले जा रही थी। उनके साथ पूछताछ के लिए पटना पुलिस को भी सहयोग है। हामिद खान को क्यों गिरफ्तार किया गया, यह अभी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। पन्ना पुलिस उप अधीक्षक का कहना है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस ने हामिद खान को पन्ना पुलिस को बिना बताए ही गिरफ्तार किया हुआ है और ले जा रहे थे। वहीं अपहरण का मामला सामने आया तो हम लोगों ने उनकी गाड़ी को रुकवाकर पता किया तो दिल्ली स्पेशल पुलिस निकली। ये बताना मुश्किल है कि दिल्ली पुलिस ने हबीब खान को क्यों गिरफ्तार किया है और क्या मामला है, ये दिल्ली पुलिस ही जल्द क्लियर कर पाएगी और सबको बता दिया जाएगा। ये दिल्ली पुलिस की टीम आई थी जो हमीद निवासी आगरा मोहल्ला पन्ना का है, उससे किसी सिलसिले के संबंध में पूछताछ कर रही है। उसमें पुलिस से सहयोग भी मांग रहा है तो पुलिस उसको सहयोग भी दे रही है और इसमें पूछताछ की जा रही है उनके द्वारा, जो तथ्य सामने आएंगे वह आ जाएगा। सर, ये किस क्राइम से जुड़ा हो सकता है, अवैध हथियार का मामला या सिमी का? ये अभी कुछ कहना संभव नहीं हो पाएगा, जब उनसे कुछ और पूछताछ के बाद निकल कर सामने आएगा तो बताएंगे। स्पेशल ब्रांच की पुलिस है, निश्चित है कुछ न कुछ चीज़ों के संबंध में उनको जानकारी मिली होगी तो उनके द्वारा पूछताछ। सर, सुबह जैसे प्रथम दृष्टया सामने आई थी कि पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए गई है, पुलिस ने उन्हें पकड़ा भी है, तो क्या धोखा हो गया था कि दिल्ली पुलिस को पुलिस ने पकड़ा था? उस तत्कालिक इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा नहीं दी गई थी, इस कारण से ये बात समझ में नहीं आई थी। अब उनके द्वारा बताया गया है दिल्ली पुलिस का, इसके संबंध में उनको सहयोग भी किया जाए। धन्यवाद सर। जो पकड़ करके उसे पूछताछ की जा रही है, जो तथ्य खुलासे सामने आएंगे उसको आप द्वारा खुलासा किया जाए। सर, प्रथम दृष्टया क्या ये अपहरण का मामला सामने आया था, ये क्या कैसा कंफ्यूजन था? ये एक्चुअली जब वो दिल्ली पुलिस आई थी वो सामने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पुलिस विभाग को नहीं दी थी, इस कारण से प्रथम दृष्टया समझ लोगों द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति को पकड़ ले गए हैं जिसमें अपहरण की संख्या समझ में आई थी। परंतु जब दिल्ली पुलिस से अपनी जानकारी प्राप्त हुई उस समय सब प्रकाश में आया कि नहीं, ये किसी सिलसिले के संबंध में पूछताछ। पन्ना पुलिस कई जगह छापेमारी कर रही है, क्या ये पुलिस सहयोग कर रही है? उनके द्वारा जो बताया जा रहा है वो पुलिस उसकी सहयोग कर रही है।